दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी खबर निकल कर आप सभी जानते हैं कि ट्राई समय समय पे हर क्वार्टर दोस्तों रिपोर्ट जाहिर करता है, जहां पे बताता है कि कौन सी कंपनी जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएल, कौन सी कंपनी ने नए सब्सक्राइबर ऐड किए, कौन सी कंपनी ने सब्सक्राइबर खोए और कौन सी कंपनी का एआरपीयू कितना गया। तो दोस्तों अभी सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज, आईएएफएल जैसी सिक्योरिटी एजेंसीज, इनका बड़ा दावा है कि एयरटेल और वीआई जैसी दोस्तों इस बार थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगी, इनका एआरपीयू यहाँ पे कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके साथ साथ फिलहाल दोस्तों एयरटेल और वीआई टेरिफाइक नहीं करने वाले हैं, टेरिफाइक नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज दोस्तों निकल गई जिसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बने रहे स्टूडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नो नील। जैसे कि आप सभी जानते हैं ट्राई समय समय पे हर क्वार्टरली रिपोर्ट जाहिर करता है। फिलहाल दोस्तों यहां पे 2021-22 का यहां पे सेकंड क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून एक क्वार्टर होता है फर्स्ट क्वार्टर, फिर यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर का दोस्तों जो क्वार्टर होता है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे अक्टूबर शुरू हो चुका है। मतलब बहुत जल्दी एक रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन उसका अजम्पशन लगाया जा रहा है। बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज बता रही है कि यहाँ पे एयरटेल और वीआई को यहाँ पे एआरपीयू के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसका कुछ कारण भी दोस्तों इन्होंने बताया और इसके साथ साथ ये भी बताया कि यहाँ पे जो टेरिफाई करने की बात चल रही कि कंपनियाँ टेरिफाई कब जल्द से जल्द करेगी, फिलहाल उस चीज पे थोड़ी रोक नजर लग रही है कि फिलहाल कंपनियां टेरिफाई नहीं करेगी। स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों भारतीय एयरटेल वीआई टू सी हाई एआरपीयू इन सेकंड क्वार्टर 2022। दोस्तों 2021-22 का जो क्वार्टर है उसका सेकंड क्वार्टर, उसके अंदर यहां पे हाई एआरपीयू नजर आता हुआ नजर आएगा यहां पे, क्योंकि दोनों ही कंपनी दोस्तों यहां पे फिलहाल अपने रेवेन्यू में थोड़ी बढ़त यहां पे देखती है। जो एनालिटिक्स है दोस्तों यहां पे पीटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से आईएएफएल सिक्योरिटी का दोस्तों ये दावा है कि यहां पे एयरटेल और वीआई का एआरपीयू बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 6% तक समथिंग की बढ़ने की गुंजाइश है। क्यों? इसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि दोनों ही कंपनी ने अपने जो मिनिमम प्लान थे ना, मिनिमम हर महीने जो मिनिमम रिचार्ज करना पड़ता था 49 रुपीज का, उसको बंद कर दिया, उसकी जगह आपको 79 कर दिया। मैंने खुद ने कल मेरे एयरटेल में 79 का रिचार्ज कराया, क्योंकि मेरा दो से मैं एक में एयरटेल और एक में वीआई, तो वीआई का ऑलरेडी 449 का चल रहा है 4GB रोजाना 56 दिन, तो दूसरे में मुझे मिनिमम रिचार्ज करना पड़ता है, तो उन्हें रिचार्ज कौन करता है। तो 49 की जगह दोस्तों आपको 79 रुपीज आपको यहाँ पे देने पड़ते, ऑलमोस्ट 30 रुपए का हाइक वहां पे है। उससे इनका जो एआरपीयू है बेस जो है, मतलब हर कस्टमर 79 तो देके ही जाएगा, तो इनका इनकम थोड़ी सी बढ़ी है, उसके चक्कर में इनका एआरपीयू बढ़ेगा। एआरपीयू कितना है तो अगर बात करूँ वोडाफोन आईडिया की तो 105-106 रुपए के आसपास घूमता है, वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करूँ एयरटेल की और जियो की तो दोनों 150 रुपए के आसपास में घूमते हैं। एग्जैक्टली फिगर तो ट्राई की रिपोर्ट में ही आ जाएगा, लेकिन दोनों 150 रुपए के आसपास में, 140-145 रुपए के आसपास दोनों के दोस्तों एआरपीयू यहां पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एयरटेल और वीआई का एआरपीयू दोस्तों यहां पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये आईएएफएल सिक्योरिटीज के बारे में, क्योंकि दोनों ही कंपनी ने अपना जो मिनिमम रिचार्ज का प्लान था 49 उसको बंद करके 79 कर दिया, तो इनके जितने भी कस्टमर अब कम से कम 79 रुपीज तो इनको कमा के देंगे, बाकी तो अलग रिचार्ज। तो ये चीज होनी है। और दूसरी चीज दोस्तों बात कर ली जाए तो कंपनियां यहां पर डायरेक्टली टेरिफाइक अब यहां पे नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि फिलहाल कंपनी दोस्तों फोकस करेगी नए कस्टमर लाने के लिए। दूसरी चीज, एक रिपोर्ट तो ये भी बता रही है यहां पे कि जब तक 5G नहीं आ जाता, टेरिफाइक दोस्तों 5G ना आ जाए तब तक नहीं करेगी, अदरवाइज उसकी इफेक्ट जो होगी यहां पे कस्टमर पे गलत पड़ेगी। तो 5G का वेट करेंगे, उसके बाद ये टेरिफाइक कर सकते हैं, टेरिफ को थोड़ा यहां पे मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इन्होंने जो ट्विक किया था 49 का 79 कर दिया, हो सकता है आने वाले रन के अंदर 79 को थोड़ा और बढ़ा दिया, 99 कर दीजिए, ऐसा दोस्तों यहां पे सुनील भारती मित्तल ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम इसको 99 भी कर देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल जो डायरेक्ट टेरिफाइक है, आपके सारे के सारे प्लान महंगे हो जाएंगे 20 गुना 30% 40%, वैसा दोस्तों कंपनियां करने के मूड में नहीं है। कंपनियों ने डायरेक्ट कह दिया कि फिलहाल हम यहां पे डायरेक्ट हाइक नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे जो 5G आ जाएगा भारत के अंदर ऑलमोस्ट मई जून के आसपास 2022 में, उसके बाद शायद तक कंपनी अपने प्लान्स को फिर से रिविजन करे और यहां पे टेरिफाइक कर दे। तो फिलहाल टेरिफाइक यहां पे नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों एयरटेल और वीआई के लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि इनका एआरपीयू बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने मिनिमम रिचार्ज के प्लान को थोड़ा महंगा कर दिया, उसके चक्कर में इनका एआरपीयू बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखने वाली चीज है कि दोस्तों यहां पे एयरटेल तो हमेशा से ही दोस्तों हमें ग्रोथ दिखाता है, इनकम अच्छी है उसकी, प्रॉफिट है उसके पास, सब्सक्राइबर उसके पास आते हैं, जियो को बड़ी नेक टू नेक टक्कर देता है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से
वीआई सब्सक्राइबर लॉस कर रहा है, बीच के एक दो क्वार्टर में थोड़ा इसने ठीक किया था, लेकिन फिर से सब्सक्राइबर लॉस कर रहा था। तो क्या इस बार जो रिपोर्ट आएगी ट्राई की कि इसमें सब्सक्राइबर एड करेगा वीआई, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन इसका एआरपी तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ता होना चलेगा, ऐसा दोस्तों रिपोर्ट यहाँ पे बता रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर जो आई थी आईआईएफएल सिक्योरिटी की तरफ से, यहाँ पे जो नया दोस्तों रिपोर्ट आने वाली ट्राई की दोस्तों सेकंड क्वार्टर 2021-22 का, उसकी रिपोर्ट दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगी। तो अंदाजा लगाया जा रहा है यहाँ पे कि एयरटेल और वीआई का एआरपी में ग्रोथ देखी जाएगी। उसके साथ साथ दोनों ही कंपनी फिलहाल टेरिफाई करने के मूड में नहीं है लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि सरकार ने इनको 4 साल का दोस्तों रिवाइवल पैकेज दे दिया, 4 साल तक कोई पैसा देना नहीं। तो फिलहाल वो फोकस करेगी नए सब्सक्राइबर को लाने में, और टेरिफाइक दोस्तों यहाँ पे हो सकता है 2022 के सेकंड क्वार्टर या मिड में आपको देखने को मिल सकता है, जब 5G लॉन्च हो जाएगा उसके बाद। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी खबर थी। वीडियो का अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो थम्स अप जरूर देते ना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेट चला गया। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है उसको जरूर दबाना, उसको दबाने से आप हमारे वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। इसके पास दिखेगा घंटी का बटन, उसको भी जरूर दबाना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज़ घंटी के बटन को जरूर दबा देना, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो लाइक और शेयर तो बनता ही वीडियो को, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि उसको फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। अब के वॉच है, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।